मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के मानसरोवर सभागार में असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने सही बताया। उन्होंने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई के सभी अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होने की बात कही। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कार पर हुए पथराव और कीचड़ फेंकने की घटना को भी उन्होंने गलत बताया। ऐसे ही कई सवालों का जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने अनादि टीवी संवाददाता दुष्यंत पाराशर से खास बातचीत में दिए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज एक पुस्तक का विमोचन किया गया, असंसदीय शब्द जो है वो कहीं ना कहीं उसमें अब रोक लग सकेगी, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से? मेरा तो मानना है कि माननीय अध्यक्ष जी ने किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा माननीय विधायक को समझ रखा है। विधायक जी नए नए विधायक शुरू के आते हैं, पुराने भी जान बूझ कर सदन में इस प्रकार की बात करते हैं जिससे हंगामा होता है, विधानसभा की गरिमा को चोट पहुंचती है। उन्होंने जो किया अच्छा किया, और अगर मैं कहता हूं जो विधायक जी इसका पालन नहीं करें तो माननीय अध्यक्ष जी के सामने मैं रखा हूं दंड, उसका अध्यक्ष जी को पालन उपयोग करना चाहिए। आपको लगता है पुस्तक तो का विमोचन तो कर दिया गया, तो विधायक इसका पालन कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे माननीय अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है कि पालन कराएं। एक वाक्य कल देखने को मिला, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी पर पथराव हो गया, कीचड़ भी फेंके गए, तो क्या मानते हैं किस तरीके से? ये बात तब में जनता तबाह थी, इसलिए उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। मैं इसके उछल नहीं मानता, संसदीय परंपरा में प्रजातंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। नरेंद्र सिंह जी के साथ जो लोगों ने वहाँ के आक्रोश में किया है उसको मैं उचित नहीं मानता, सलाह देता हूँ धैर्य रखे, हम सब लोग उनके साथ हैं। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर कल विधानसभा में लाएगी, और उसको लेकर किस तरीके से तैयार? अभी कल चर्चा होगी, संसदीय कार्य मंत्रालय की समिति है, कार्य मंत्रालय की, उसमें तय होगा किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए कार्य मंत्रालय समिति की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, और उस चर्चा के बाद मुद्दों को भी तय किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार ये प्रयास सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको सदन में उठाया जाए, उनको तो सही तरीके का जवाब भी मिल सके। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दुष्यंत पारसर, अनादि टीवी भोपाल। कांग्रेस